चार नंबर अगर आप बॉर्न हुए 4, 13, 22, 31 या फिर आपके डीओपी का टोटल करके नंबर आता है तो आप 4 नंबर से बॉर्न हो। आप इंटेलिजेंट बहुत हो, खुराफाती बहुत हो, दबंग हो, रिबेलियस हो, लेकिन अनसर्टेनेस बहुत रहती है लाइफ में। मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है राहु, ये तो जो है ये स्पिरिचुअल प्लैनेट है बट मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है राहु, तो आप लोग पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल और बहुत ज्यादा मेहनती हार्ड वर्क 4 नंबर से ज्यादा कोई नंबर नहीं कर सकता। तो 2023 क्या लेकर आ रहा है, तो एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए क्योंकि 2023 जो कि केतु का साल है और राहु केतु वैसे तो एक कॉइन के दोनों साइड से ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, लेकिन क्योंकि केतु जो है ये फ्रेंडली है राहु के साथ तो बहुत अच्छा जाने वाला है आप लोगों के लिए ये साल। लेकिन थोड़ा सा मिड ऑफ द ईयर के बाद, यानी कि मैं कहूंगी अगस्त के बाद से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है वर्क प्लेस पे। करियर के लिहाज से पहले बात करते हैं तो करियर के लिए ये साल बहुत बहुत बेहतरीन जाने वाला है। आप कुछ ने आपका प्रमोशन हो सकता है, न्यू इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है, आपका अगर ट्रांसफर हो रहा है यानी कि आपकी जॉब शिफ्ट हो रही है तो वो एक अच्छा सिग्नल है। आप ना मत बोलिएगा उसको, फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन स्टडीज, फॉरेन बिजनेस, इन सबके योग भी बने हुए हैं तो उसमें भी आपको लाभ होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप मैरिज होते हुए मैं देख पा रही हूँ 4 नंबर वालों की, अगर अभी तक मैरिज नहीं हुई थी तो, लेकिन थोड़ा सा रिलेशनशिप में कड़वाहट हो सकती है वर्क प्लेस की टेंशन की वजह से। वर्क प्लेस से आपके हाथ कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है तो आप वहाँ पर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज ज़्यादा इशू मुझे दिख नहीं रहे रिलेशनशिप में भी। और उसके बाद मैं अगर बात करूँ हेल्थ की, हेल्थ के लिहाज से आपको बहुत ध्यान रखना है, आपकी बैक पेन्स बढ़ सकती है, सर्वाइकल इश्यूज बढ़ सकती है, स्टिफनेस बढ़ सकती है बॉडी में। उसके अलावा मैं बात करूँ तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम जो आपकी हिडन रहे, मतलब आप डॉक्टर पे चेकअप कराने जाओ, डॉक्टर बोले कि कोई इशू नहीं है लेकिन आपको एक्चुअली प्रॉब्लम है, बिकॉज देता भी ऐसी बीमारियाँ नंबर 4 जो हिडन होती है, क्योंकि 4 और 7 दोनों ही हमारे पेट के एरिया को यानी कि हमारे इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है तो आप उसका भी ध्यान रखिएगा। अब आपको करना क्या है, अगर आप 4 नंबर हो लेकिन आपको ये सब रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो आप इसको और एनहेंस कैसे कर सकते हो, आप एक 12 मुखी रुद्राक्ष वेयर कर सकते हो, राहु मणि जरूर वेयर करिए, राहु के मंत्र का आप जाप करिए, भैरव मंदिर जाइए संडे के संडे और वहां पर आपको एक वाइन की बॉटल लेकर जानी है, आधी चढ़ाकर आनी है, आधी आप अपने साथ लेके आ जाइए। भैरव जो है ये दीदी है राहु के, तो वहां पर आपको फायदा हो सकता है। और वैसे भी अगर आप रिसर्च से रिलेटेड हो, आप बैक एंड टीम में हो, आप रिसर्च कुछ भी किसी भी तरह की रिसर्च, जरूरी नहीं आप ऑकल्ट साइंस में हो, आप आईटी सेक्टर में हो, आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग में हो, फॉरेन रिलेटेड आपका बिजनेस है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। 4 नंबर साल आपके लिए अच्छा लेके आने वाला है। उसके अलावा आप एक टाइगर आई का ब्रेसलेट जरूर वेयर करिए और 4 नंबर के लिए 7 नंबर अच्छा प्रूफ होगा। एंड अपने आप को किसी ना किसी चीज में बिजी रखिए बिकॉज आपका दिमाग ना एक्स्ट्रॉर्डनरी वैसे भी चलता है। आप ऑकल्ट साइंस ज्वाइन कर सकते हो, आप वीडियोस देख सकते हो, जैसे अभी आपके वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो अगर आपको पसंद आई है और आपके नोन में भी है कोई 4 नंबर या फिर वैसे भी आपको हमारी वीडियोज पसंद है तो शेयर जरूर करिए बिकॉज हमारा तो पर्पस ही यही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम साई राम। स्टे ब्लेस्ड। सी यू सून। टेक केयर।